आज हम सर्वाइव करने वाले 100 days एज ए वैम्पायर, और इसमें हमारा गोल है वैम्पायर लॉर्ड बनना एंड जितने सारे विलेज है पूरा अपने सिविलाइजेशन को पूरा का पूरा हर जगह पे फैलाना हमारा काम रहेगा इसमें। तो मेन टारगेट है हमारा इसमें वैम्पायर लॉर्ड बनना और जितने सारे हंटर्स है हंटर को हमको हराना और जितने हंटर विलेजेस है वो हंटर विलेजेस को अपने कब्जे में करना। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा 100 days स्टार्ट होगा एज ए वैम्पायर, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें जो गाइस थोड़ा सा अजीब लग सकते हैं बट आपको मजा बहुत आने वाला है। तो इस 100 days में हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा ताकतवर बने और जितने सारे हंटर से सबका खात्मा करें एंड उसी के साथ हमारा जो सिविलाइजेशन यानी हमारा वैम्पायर का प्रजाति पूरा वर्ल्ड में हम फैलाए। ये देखने के लिए भाई पूरा वीडियो को देखना, एक भी बार स्किप मत करना, ओके। हम लोग आप पहुंचे खतरनाक वर्ल्ड पे जहाँ पे हम कुछ ही एक दिनों में एक दिन में हम लोग बनने वाले थे वैम्पायर। तो सबसे पहले वैम्पायर बनने से पहले हमको बहुत सारे काम निपटाना था जो था कि थोड़ा सा पेड़ वगैरह काटना, क्योंकि यार वैम्पायर बनने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक काम कर लेना चाहते थे। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा वुडन का पिकैक्स बनाया, टूल्स बनाया जो मुझे आने वाला टाइम पे मदद कर रहा था। तो इधर से खाने के लिए थोड़ा सा चीज़ें हमने इकट्ठा किया वैम्पायर बनने से पहले, क्योंकि हमको सर्वाइव भी करना होता है वैम्पायर बनने से पहले भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टोन वगैरह कलेक्ट किया, टूल वगैरह बनाए, फर्निस वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद अभी हम लोग वैम्पायर का डायरी पढ़ ही रहे थे कि मैं फटक से बन चुका था वैम्पायर एंड उसके साथ साथ मेरा जो आंखें भी थे वो भी कुछ अलग अजीबोगरीब चेंज हो चुके थे रेडिश कलर के। ओह माय गॉड, तो मैं फाइनली ऑफिशियली वैम्पायर बन चुका था। अरे मैं ट्राई कर रहा था खून पी के, मैं अगर खून पी सकता हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ओके, तो मैं फर्स्ट बाइट लिया था खून का एंड ये टेस्ट था बहुत ज़्यादा। तो एक मैं इसको ट्राई कर करके इसको पूरा ही मैंने मार दिया खून पी के इसके। तो अभी था थोड़ा सा अपग्रेड करना खुद को। सो मैं देख रहा था मेरा वैम्पायर का जो स्किल है, स्किल में क्या क्या चीज़ें, तो मैंने देखा नाइट विजन है एंड कुछ रीजनरेशन है, और ऐसा करके नीचे इतने ज़्यादा स्किल से भाई मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे सब अनलॉक करना था, तो इधर मैंने कॉफिन बना जिसके अंदर से मैं सो सकता हूँ दिन को, क्योंकि गाइस हम लोग दिन में नहीं जा सकते बाहर। हम लोग दिन में बाहर जाते तो हम लोग पूरा जल जाएंगे सन के रोशनी में। तो जैसे मैंने थोड़ा सा खाना पीने इकट्ठा किया। अभी गाइस हम लोग बिना कुछ जितने फूड है कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ हमको ब्लड ही पीना था। तो यार जितने ज़्यादा हो सके मैंने आज वो शिप के ब्लड पी के मेरा हेल्थ वगैरह इंक्रीज किया एंड यही था सबसे मेन इंपॉर्टेंट। एंड सामने जाते जाते मुझे हंटर के टेंट दिखा, तो वहाँ पे 2-3 हंटर थे जो जॉम्बीज को मार रहे थे। तो ये देख के मुझे लगा कि यहाँ पे रहना मेरे लिए सेफ नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा एंड मैं जैसे चुपचाप करके कोने से निकल पड़ा, क्योंकि अगर मुझे हंटर्स देख लेते तो मेरा हालत ख़राब कर देते, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। तो जाते जाते मुझे एक टूटा हुआ घर देखा, मुझे लगा कि वैम्पायर रहने के लिए ये घर बहुत ही बेटर है, क्योंकि वैम्पायर हमेशा अजीबोगरीब जगहों पर रहता है। तो मुझे लगा चलो अभी ये जगह को थोड़ा सा ठीक ठाक करते जो हंटर से उनको पता ना चले। तो ऐसे सोच के मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा ठीक करते। तो घर को मैंने ठीक किया, डोर वगैरह लगाया एंड अभी टाइम था थोड़ा सा सैंड फार्म करने का, क्योंकि हमको बनाना था अल्टर। अल्टर से हम लोग लेवल अप कर सकते थे खुद को। तो मैंने इधर से कुछ ग्लास बॉटल भी बना लिया। अभी था खून लेने का टाइम, तो जितने सारे आजू बाजू पिगीज वगैरह थे सबका मैंने ट्राई किया खून लेने के लिए, बट ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस था, क्योंकि खून पीने के लिए यार बहुत ताकत खर्च हो रहे थे एंड ये इतने टाइम लग रहा था एक एक बोतल भरने के लिए। 3-4 पिगीज को एक बोतल भर रहा था। तो फाइनली एक बोतल लेके आके मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्राई किया। यहाँ पे लिखा था देयर इज नॉट इनफ ब्लड इन द अल्टर, तो हमको और भी ज़्यादा ब्लड चाहिए था। मेरा तो घबरा गया क्योंकि ब्लड इतना मुश्किल से मुझे मिल रहा था। तो मैं निकल पड़ा बोतल लेके, पिगीज जितने सारे हमारे एनिमल्स थे आजू बाजू, मैंने हर एक जो एनिमल्स थे सबका ब्लड पूरा का पूरा चूस चूस के बोतल में भर लिया था मैंने, क्योंकि हमको लेवल अप करना था खुद के। तो यहाँ पे शिप भी बहुत सारे अजीब अलग अलग जगह पे थे। तो ऑलमोस्ट मेरा सब बोतल थोड़ा 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 करके भरा था मैंने, मुझे हर एक बोतल फुल भरना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा बोतल भरते भरते, बट फाइनली हम लोग बोतल वगैरह पूरा का पूरा फिल कर लिए। अभी टाइम था थोड़ा सा अल्टर से लेवल अप करने का। तो जितने सारे ब्लड थे मैंने सबको सब अल्टर में डाल दिए, क्योंकि जो रिचुअल है वो रिचुअल में थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा रहता है एंड राइट क्लिक करने के बाद ही मैं सीधा लेवल 2 हो गया था हमारा।
वैम्पायर लेबल, जिसकी वजह से मैं थोड़ा और पावरफुल बन चुका था। तो इधर बोल रहे देयर इज नॉट इनफ ब्लड, तो मैंने जितने सारे ब्लड बाकी मेरे पास ब्लड थे मैंने सबके सब ब्लड इसके अंदर डाल दिए, तो मुझे लगा कि और एक लेवल अप हो ही जाऊंगा। तो यस, तो हम लोग इससे और एक लेवल अप हो गए थे, तो हम लोग अभी बन चुके थे लेवल 3 एंड मेरा 2 हार्ट और भी एक्स्ट्रा बढ़ चुके थे। अभी टाइम था बहुत लेवल अप करने के लिए। यस, तो सबसे पहले मैंने नाइट विजन लॉक किया एंड उसके बाद हम लोगों ने अनलॉक किया रीजनरेशन, जो हमको हील करने में मदद करता है। अभी टाइम था कि बैट जो था, जो बैट फॉर्म अनलॉक करने के लिए, जिसके मदद से हम लोग फ्लाई भी कर सकते थे। तो मैं सीधा चला गया था माइन करने, क्योंकि हमको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना था। तो इधर से मैंने कुछ माइनिंग शाइनिंग करने स्टार्ट किया, कोल वगैरह इधर ग्राइंड किया। यार इधर केब में ना बहुत दिक्कत होते हैं माइन करने में, क्योंकि केब में यार ग्रैवल वगैरह इतने फालतू के चीज़ें होते हैं ना। इधर से मैंने आयरन वगैरह जितनी ज़्यादा हो सके आयरन वगैरह कलेक्ट किया। फिर मैं आप पहुँचे पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि ब्लड लेना था मुझे, मैं थोड़ा सा कमज़ोर बन गया था मार खा गया कि, तो मैं ब्लड यहाँ पे चूज के मेरा हेल्थ वगैरह सब इंक्रीज किया धीरे धीरे करके, एंड रीजनरेशन भी अच्छा खासा काम कर रहा था। तो मैं जितने सारे आजू बाजू जितने मेरे पास एनिमल थे देखा आजू बाजू जितने, वो मैं सबका ब्लड सो करने लगा, क्योंकि गाइस जितना ज़्यादा ब्लड हमारे पास होगा उतना ज़्यादा लेवल अप हम लोग कर सकते थे, मुझे ऐसा ही लगा था। तो यस, मैं जितने ज़्यादा हो सके जैसे जितने काऊ हो सके मैंने ब्लड सब बोतल में भर लिया। फिर जाते जाते मुझे घर दिखा, तो ये घर में मुझे लगा कि चलो जाके देखते घर के अंदर क्या है। तो आजू बाजू मैं थोड़ा सा आजू बाजू घर देख रहा था कि इधर कुछ है तो नहीं, बट इधर यस फिश हेड वाले जॉम्बीज घूम रहे थे यार, बड़ा ही क्यूट लग रहे थे। बट हम तो वैम्पायर, हमको वैम्पायर लॉर्ड बनना है। तो ये सब मोह माया से दूर होके हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, मतलब जितने सारे चीजें अल्टर वगैरह मैंने यहाँ पर सेटअप किए अल्टर्स, तो अल्टर्स सेटअप करने के बाद जितने सारे मैंने ब्लड लेके आया था सब ब्लड मैंने एक एक करके हमारे अल्टर के अंदर यहाँ पे ब्लड मैंने पूरा का पूरा भरना के शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक अल्टर फुल नहीं होगा ना तब तक गाइस हम लोग लेवल अप नहीं कर सके। तो फाइनली अल्टर फुल हो चुका था एंड आखिरी यानी 4 लेवल का मैं बन चुका था अल्टर को राइट क्लिक करने से। तो अल्टर 4 लेवल क्लिक करने से बनने के बाद हम लोग और भी थोड़ा पावरफुल बन चुके थे। अभी मैं अनलॉक कर सकता बैट फॉर्म, यानी ये सही सुने हो, यानी अभी हम लोग उड़ सकते थे यार अपने मर्जी से कहीं पे भी जा सकते थे। बट बैट में एक दिक्कत था कि हम लोग बैट जब बनते हैं हमारे पास आर्मर नहीं होते, यस हम लोग आर्मर खो देते, यानी बैट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था मेरे लिए। बट इसके मदद से मैं उड़ सकता था, तो ये मेरे लिए बहुत था। तो मैं सोचा कि यहाँ पे मैं रहने का डिसाइड किया मैंने अभी। सो इधर रहने के लिए पहले तो सबसे पहले खाना इकट्ठा किया, क्योंकि यार खाना इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ब्लड बोतल मेरे पास होएगा उतना मैं खुद को सेफ फील करूँगा, क्योंकि खाने के बिना हमको नहीं मरना यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्लड वगैरह इकट्ठा किया हमने। तो ब्लड इकट्ठा करने के बाद हम लोग निकल पड़े एक विलेज की तलाश में। तो एक फाइनली मुझे एक विलेज तो दिखा, बट इस विलेज में अजीबोगरीब चीज़ें थे, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे। एक घर के पास में उड़ के जाने ही वाला था, फिर मैं फटक से आगे एक जगह पे आके पहुंचा जहाँ पे मुझे देख के क्रीपर भाग रहे थे। एंड ये जो विलेज था वो हंटर विलेज था, तो मुझे लगा यार हंटर विलेज क्या हुआ, अभी हम लोग इसको कब्जा करने वाले, पूरा वैम्पायर विलेज बनाएंगे एंड मेरा सिविलाइजेशन पूरा जगह पे फैलाएंगे। तो ये सोच के जितने सारे हंटर्स थे मैंने एक एक को मारा एंड हमारे को मदद कर रहा था आयरन गोलेम, बट गोलेम मेरा भी पीछा कर रहा था, तो मैं उड़ के सीधा भाग चुका था कहीं और जगह पे। तो हमारा जितने प्रजाति के लोग थे वो हमको मदद कर रहा था इस फाइट में, यस जो कि हम जीत पाए पूरा ये हंटर विलेज। तो मैं जितना ज़्यादा हो सके एक एक हंटर को मारे जा रहा था, बट मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, मेरे पास ना अच्छा आर्मर थे ना अच्छा टूल्स थे। तो फिर भी हम लोग लगे रहे ये विलेज को कब्जा करने के लिए। तो कुछ टाइम के बाद और भी हंटर्स आने लगे, बट मैं हार नहीं माना और मेरे जितने सारे वैम्पायर विलेजर्स थे वो ऑलरेडी मर चुके थे। तो फाइनली जीतने के बाद यस हमारे यहाँ पे वैम्पायर एक्सपर्ट एक विलेजर बन गया था, जो कि 3 हार्ट से ब्लड बोतल सेल कर रहा था, जो बहुत ही अच्छा था। तो फर्स्ट मेरा वैम्पायर विलेजर था जीन, तो मेरा प्रजाति के फाइनली इधर आना शुरू कर दिए थे ये विलेज को टेक ओवर करने के लिए। तो मैंने इनको सौंप दे विलेज, तो सौंप दे कि मैं अजीबोगरीब इसको देख रहा था कि इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज था मैं इसके अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। फिर अंदर पहुंच ही गया, क्योंकि इसके अंदर से मुझे कुछ आयरन शॉट कुछ स्कैक्टर शॉट वगैरह चीज़ें मिल रहे थे एंड यहाँ पे जो हॉस्टल्स है वो मेरे साथ फ्रेंडली थे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ उसको लूटने में। तो मुझे मैप भी मिला जो मुझे नहीं चाहिए था एंड मैं कुछ दिन उड़ने के बाद मुझे यहाँ पे मिला वैम्पायर रिप्रेजेंटेटिव, तो इसके मैंने बात किया। तो ये बात करने के बाद देखा कि ये ना मुझे क्वेस्ट दे रहा था, तो बड़ा खतना क्वेस्ट दे रहा था, तो क्वेस्ट मुझे नहीं लिया। तो फर्स्ट मेरा
यहाँ पे हमने टेलीपोर्टर लगा दी हम लोगों ने, एंड मैं पूरा का पूरा अल्टर भरने की कोशिश किया ब्लड से, क्योंकि अभी हम लोग 4 लेवल के थे तो मुझे 5 लेवल करना था, तो मैं जितना ज़्यादा हो सके मैंने ब्लड अल्टर में भरने की कोशिश किया, बट ब्लड कम पड़ रहा था। यू कांट यूज द अल्टर एट दिस लेवल, मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या था तभी, मुझे लगा कि और भी ब्लड चाहिए होगा। ओए कौन दरवाजा फोड़ रहा इधर, ओए क्या कर रहे हो अंदर, ओ तुम अपने काम शुरू कर दे, अच्छा अच्छा है, जल्दी से उसको इवॉल्व करो वैम्पायर में। यार हमारे लॉन्डे लोग अच्छा काम कर रहे थे, फिर बहुत दिनों के बाद हम लोग ब्लड लेकर आए थे पूरा अल्टर भरने, तो अल्टर भरने के बाद मैंने राइट क्लिक करके कुछ भी कोशिश कर रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर मुझे समझ पड़ा कि मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि 5 लेवल के लिए हमको दूसरा अल्टर बनाना था, वो भी गोल्ड कलर के। तो मैं चला गया माइनिंग पे, तो थोड़ा सा गाइस माइनिंग पे हमारा टाइम लग गया, क्योंकि माइनिंग में डायमंड वगैरह हम लोग माइन कर रहे थे, बाकी के चीज़ें माइन कर रहे थे। डायमंड क्यों चाहिए था गाइस, हमको बनाना था डायमंड पिक एक्स, जिसकी मदद से हम लोग ऑब्सीडियन तोड़ सकते। यस ऑब्सीडियन के बिना जिंदगी में कुछ नहीं था, तो सबसे पहले माइन मैंने जितना हो सके माइन किया, फिर बेस आने का मेरे को जस्ट 22 डायमंड मिले थे, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं बट ठीक था, तो मैं बना के चला गया ऑब्सीडियन तोड़ने। ऑब्सीडियन तोड़ने के बाद यह बता अल्टर ऑफ इन्फ्यूजन जो मैं बनाने के लिए पढ़ ही रहा था कैसे कैसे बनता है, ये थोड़ा पेचीदा था बट ठीक ठाक था, तो मैं इसको बनाने के लिए अभी तैयार था, चलो इसको बनाते। तो उसके लिए हमको ना बहुत से चीज़ें चाहिए थे, वो चीज़ें यानी हमको चाहिए सबसे पहले कुछ स्टोन ब्रिक्स। ये क्या कहो, ये बनाते बनाते और एक हंटर ने हमारा विलेज को अटैक कर दिया था। यार ये क्या हो गया, मतलब हमारे विलेज में 2 अटैक ऑलरेडी हो चुके थे, तो मैं लगे पड़ा हमारा विलेज को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए हंटर से, यानी मुझे नहीं पता ये लोग इतने ज़्यादा क्यों अटैक करते हैं हमारे विलेज पे। तो हमको एक एक करके देखो, मेरे पास पूरा वैम्पायर का आर्मी थे, तो मुझे कोई डरने का बात ही नहीं था कि मैं हट जाऊँ, क्योंकि बैम पर इतने ज़्यादा हो चुके थे हमारे पास, तो मैं इजा खड़े खड़े पूरा विलेज शहर का जीत चुका थे, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे ज़्यादा। तो अभी मुझे ना अल्टर मैंने बना तो लिया था, मैं पढ़ ही रहा था इसको कैसे ठीक करते, तो फाइनली मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया। ओके तो अभी इसके लिए ना मुझे और भी चीज़ें चाहिए था, इसके लिए मुझे चाहिए था बुक हार्ट, तो सबसे पहले हमको 5 लेवल करने के लिए चाहिए था 5 हार्ट और वैम्पायर बुक। तो ये वैम्पायर बुक यहाँ पर लिखा था कि ट्रेजर से मिलेगा, लूट चेस्ट से मिलेगा, तो ये सुन के मैं चला गया बहुत ही अलग अलग जगह पे। तो ये जो सीन था ना, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव से मैं कुछ चेक किया यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ क्वेस्ट है कि नहीं, तो इनने तो अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया, फिर मैं चला गया वो बुक ढूंढने। तो बुक ढूंढने के लिए जितना ज़्यादा हंटर मार सके हम लोग वो हंटर मारने की कोशिश करते, क्योंकि हंटर जो बुक वो ड्रॉप करते हंटर ही, तो एक एक करके मैंने बहुत हंटर को मारा, बट सिर्फ मुझे वैम्पायर ब्लड एंड ह्यूमन हर्ट के अलावा कुछ मिला नहीं था, तो ये था सबसे बड़ा दिक्कत। क्योंकि यार फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मैं सीधा चल पड़ा हमारे दूसरे जगह पे दूसरे हंटर्स को मारने, क्योंकि हंटर ही एक चीज़ है जिसके जहाँ से हमको मिलने वाले थे वो। फिर बेस में आने के बाद देखा फिर से रेड स्टार्ट हो गया, यानी हम लोग इतने ज़्यादा रेड के ऊपर से गुजर रहे थे, इतने हंटर्स हमारे बेस पर अटैक कर रहे थे, हम क्या ही बताएं। तो ये करते करते बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यार हंटर अटैक कर ही जा रहा था मेरे विलेज में, 3 बार ऑलरेडी अटैक हो चुके थे हंटर ने अटैक कर करके, पहले तो हमने इसको जीता, 2 बार हंटर अटैक किए, तो यानी 3 बार ही समझ लो। तो फिर से गाइस एक एक करके यार बचाने के लिए जा ही रहे थे हम जेन को, ये हमारा फर्स्ट बैम्प है इस विलेज का, बट इसने इसको मार दिया एंड मुझे आ गया यहाँ पे गुस्सा। तो मैंने सोचा चलो भाई तेरा तो पूरा खात्मा कर दूंगा मैं, तो इसको फाइनली 2-3 थप्पड़ मारने के बाद ये कमजोर हुआ ने इसको एंड बूम मर जा, यस ये फाइनली मर गया। बट हमारा जेन को मैं बचा नहीं पाया, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा दर्दनाक बात था, बट कोई ना जेन को हम लोग फिर से जिंदा करवा सकते हैं दूसरे विलेज पे जाके, तो ये चीज़ अच्छा था। अभी हम लोग देख रहे थे आजू बाजू जितने मेरे विलेजर्स थे वो ऑलरेडी कॉन्वर्ट हो चुके थे एज ए वैम्पायर, तो पूरा विलेज को मुझे कॉन्वर्ट करना था एज ए वैम्पायर में, एंड जितने सारे विलेजेस बाकी है सबको अभी मेरे को कब्जा करना था, ये हमारा सबसे पहला टारगेट था। तो अभी भी हमको गाइस बुक मतलब 5 अभी हार्ट मेरे पास ऑलरेडी आ चुके थे हंटर्स को मारने के बाद, अभी ट्राई करना था कि ये काम करता है कि नहीं करता। जब इसको राइट क्लिक किया, अभी राइट क्लिक करने के बाद लिख के आ रहा था गाइस हमको चाहिए वैम्पायर बुक, तो फिर से निकल पड़ा वैम्पायर ढूंढने, मतलब वैम्पायर हंटर ढूंढने जो हमको ये वैम्पायर बुक दे सके। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घुमा, मैंने भूख पैस मिटाने के लिए गाइस ब्लड टूस के खाते खाते यार मेरा दर्द हो गया था, क्योंकि इतने ज़्यादा भटकना पड़ा, इतने चीज़ों जगह पे मुझे जाना पड़ा, तो जितने हमने हंटर्स मारे हैं ना वो हंटर में से होली वाटर एंड बाकी के सॉल्ट वाटर के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो जितने यहाँ पे हंटर्स थे एक एक को मैंने सबको मारने लगा, यार हंटर मत जाओ यार, भूख एक तो ड्रॉप कर दे,
एक बुक ड्रॉप कर दे। नहीं यार, इन लोगों ने हार्ट छोड़ के कुछ ड्रॉप ही नहीं कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, एक तो हार्ट मुझे मिल ही जाएगा, एक तो मुझे बुक मिल ही जाएगा, तो नहीं यार इधर और भी एडवांस, यस इधर एडवांस हमारे हंटर भी थे जो सबसे ज्यादा मास्टर थे, बट ये लोग भी मेरे को कुछ भी नहीं दे सॉल्ट ऑर्डर एंड होली ऑर्डर के अलावा। तो ये सोच के मैं आ गया फिर बेस पे, मुझे लगा यार मैं लेवल अप कैसे करूँ, कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ। फिर मैं सोचा चलो माइन में जाते हैं, बट माइन पे भी होली वाटर और एक मुझे मिला था हार्ट सीकर एक सॉर्ड जो मैंने उठा लिए थे, एंड इधर एक स्पॉनर मिला था मुझे, स्पॉनर को मैंने जगह से तोड़ा एंड चेस छान मारे, बट चेस में एंशियंट टोटेम था, बट इधर भी वो वैम्पायर के बुक नहीं था। ओ माई गॉड, तो यहाँ से मैं चला गया दूसरे जगह पे भाई, फिर भी मुझे वहीं पे भी नहीं मिला क्योंकि ये बुक बहुत रेयर था। फिर आ गया डेजर्ट टेम्पल, डेजर्ट टेम्पल से मुझे कुछ एक्सेसरीज मिला, यस डेजर्ट टेम्पल से मुझे कुछ एक्सेसरीज तो मिल गया था बट और कुछ भी नहीं मिला। मैं इतने दिनों से भटक भटक के एक विलेज पे आके पहुंचा, मुझे लगा चलो ये विलेज अभी किसी ने कब्जा नहीं करके रखा है, तो मैंने सोचा चलो अभी बैम पर रेड करवा के ये विलेज को कब्जा कर लेते। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा विलेज को कब्जा करने के लिए क्योंकि नेचुरल विलेज था एंड इस यहाँ पे किसी ने कब्जा नहीं करके रखे थे, तो मेरा वैम्पायर ने जितने बाकी विलेज से सबको टपका डाला एंड फाइनली ये विलेज हमारा बन चुका था वैम्पायर विलेज। ओके, तो ये था हमारा सेकंड विलेज, यस। तो बुक भी नहीं मिला था, तो मैं ढूंढते ढूंढते मुझे एक बुक मिल गया था वो विलेज में, तो एक बुक लेके आके मैं मेरा रिचुअल कंप्लीट किया एंड ये रिचुअल थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में चला क्योंकि ये रिचुअल में क्या होता है ना, ब्लड ऊपर जाता है, फिर ब्लड के क्लाइंट बनते हैं, फिर वो ब्लड मेरे बॉडी में घुसता है, उसके बाद हम लोग एक अलग ही शख्स बन जाते हैं, यानी और भी ज़्यादा ताकतवर और भी ज़्यादा सोचने वाले। तो यस ब्लड कल्ट, तो हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके थे एंड हम लोग 5 लेवल के भी बन चुके थे। तो 5 लेवल बनने के बाद फिर से मैं रिप्रेजेंटेटिव के पास आया एंड इधर से मैंने क्वेस्ट जो लिया था उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया फाइनली। तो इंक्रीज मतलब हेल्थ वाला एक उन लोगों ने एक्सेसरीज दिया जो मैंने पहन लिया, उसके बाद अभी टाइम था। अरे नो, सनस्क्रीन नहीं खोलना था मुझे, अरे यार क्या कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके ये रहने दो अभी। तो सबसे पहले इधर ने मुझे एक चेन मिल आर्मर मिला, वो 1000 आर्मर मिल रहा था चेन मिल चेस्ट प्लेट, मुझे लगा चलो ये क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं जो फटाफट करके जितना ज़्यादा हो सके। मैंने इस स्केलेटन को मारा यार, मारने के बाद मुझे कलेक्ट किया चेस्ट प्लेट, इसमें था 1000 आर्मर। तो फिर मैंने देखा मेरा आयरन आर्मर भी सेम है और चेन आर्मर भी सेम है, तो 1000 आर्मर कैसे हो सकता है, वो सोच के यार मैं उसको इग्नोर मार के चला गया। अभी टाइम था कि थोड़ा सा अल्टर वगैरह का भी डिज़ाइन मैंने देख रहा था, अल्टर कैसे बनाते, तो ये थोड़ा सा पेचीदा था अल्टर इसका लेवल अप करने के लिए, कि मुझे आयरन भी चाहिए था 6 लेवल करने के लिए, फिर 8 से 11 गोल्ड बोल्ट, भाई ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो रहा था रिचुअल। फिर मैं ढूंढने लगा दूसरा बुक्स, तो बुक ढूंढते ढूंढते मैं आ पहुंचा फिर से बहुत यार हंटर के टेंट में। हंटर मैंने बहुत ही ज़्यादा हंटर मारा, फिर मैं देखने लगा कहाँ से मुझे वो बुक मिल सकता है, यार यहाँ पे बॉय सेम था आपको हंटर से ही मिलेंगे, वो ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बीत गया। फिर से भूखे पैसे में काउ का यस खून ठूस रहा था अभी, गाइस कुछ कर नहीं सकता। एंड थर्ड वैम्पायर विलेज गाइस, इसको भी हम लोगों ने कब्जा नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी वैम्पायर विलेज था। तो यहाँ पे एक बंदा था, मुझे इसके ऊपर शक हो रहा था, तो इसको मैंने मारने की कोशिश की, फाइनली मैंने इसको मार ही दिया। तो सिंपली वो हमको जस्ट एक ड्रॉप किया, जस्ट नॉर्मल चीज़। तो ये वैम्पायर विलेज था, तो एक दो चीज़ लूटने के बाद मुझे सिर्फ 3 बुक मिले थे वैम्पायर बुक्स वैम्पायर विलेज से, एंड यहाँ पर जितने सारे विलेज थे ऑलरेडी वैम्पायर थे, तो मेरे बंदों ने ऑलरेडी यहाँ पे कब्जा कर चुके थे। तो मैंने गया सेकेंड हमारे विलेज में क्योंकि यहाँ पे मुझे ना भी लाइब्रेरियन चाहिए था जिसके बाद से मैं कुछ बुक्स एंड आर्मर एंड इंचेंट ले सकूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टिक वगैरह ट्रेड किया जो कि मेरे को आने वाला टाइम पे मदद कर सकते। ओए अभी गाइस देखो खून पीना था विलेजर के क्योंकि हम लोग भूखे पैसे तो नहीं मर सकते यार, एक तो सैक्रिफाइस बनता है। तो विलेजर को खून वगैरह पी के मैंने सोचा चलो छोटे भाई ट्रेड शर्ट करते। तो यहाँ से कुछ बुक शिल्प वगैरह मैंने बना लिए थे एंड अभी टाइम था कि थोड़ा सा यस अभी हमको चाहिए था प्योर ब्लड, यानी जो वैम्पायर होते हैं वो प्योर नहीं होते, यानी प्योर यानी पैदा इसी वैम्पायर को हमको मारना था, जिसके लिए हमको थोड़ा सा तैयारी करना रहा। तो तैयारी करते करते हम लोग उड़ते उड़ते जा ही रहे थे, बट मुझे देखा कि मेरे विलेज के पास एक वैम्पायर अपने घर बसा के बैठा है, तो मैं इसको जैसे तैसे या मतलब इतना ज़्यादा मार मार के इसको पूरा उड़ा दिया। ओए पीछे कौन है, ए इसको रहने दो। तो अभी आ पहुँचा मैं यस वैम्पायर फॉरेस्ट में जहाँ पे रहते थे बरोन, यानी जो प्योर ब्लड वाले वैम्पायर्स होते थे, यानी पूरा पैदाइशी वैम्पायर। तो इनको मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था अभी, तो एक लेवल का मारने में मेरा हालत ख़राब हो गया। तो फाइनली मैंने इनको मारा तो मुझे मिला एक प्योर ब्लड, जो कि मेरे को एक ही चाहिए था, मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा और भी ले लेते प्योर ब्लड,
बच बच्चा के मार मार के मैं ऐसे ऐसे इनको हील कर रहा था, खाना खा रहा था, फिर मैं इनको मार मार के प्योर ब्लड से इकट्ठा कर रहा था। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस निकल गया था उनको मारते मारते, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो बरून मारना बहुत हार्ड है जब तक आपके पास खतरनाक एबिलिटीज एंड चीजें ना हो तब तक। तो ये थोड़ा सा बच के मैं इनको मारने लगा। फाइनली बार बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने बोतल कलेक्ट तो करके लेके आए थे एंड अभी टाइम था यस रिचुअल करने के लिए, बट हमको चाहिए था ह्यूमन आर्ट। तो पांच ही मेरे पास एक्स्ट्रा बचे थे और एक था, तो इसके अंदर चलो अभी हम लोगों का लेवल अप करना था 6। तो फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया रिचुअल। तो रिचुअल स्टार्ट करने के बाद हमको लगा कि यस अभी तो हम लोग लेवल अप करेंगे। तो अभी लेवल अप होने के बाद मैंने सोचा अभी अनलॉक क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं सोचा चलो अभी बैम पर रेज अनलॉक करते, इसके बाद से हमको थोड़ा सा ताकतवर बन जाएंगे हम थोड़ा सा। फिर केप वगैरह मैंने बना लिए थे जो मैंने पहन लिया केप। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद हम भी अब लोग सोचे अभी केप तो पहन लिया, अभी बनाते एक खतरनाक यस ब्लड पेडेस्टाइल। तो ब्लड पेडेस्टाइल बना, एक ब्लड टैंक बनाया जिसके मदद से हमारे पास जो था ना हार्ट सीकर शॉट उसको अपग्रेड करने के लिए ब्लैक टैंक के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया ब्लड पेडेस्टाइल। एंड उसके ऊपर हमको रखना था ये हमारा हार्ट सीकर शॉट, नीचे जो टैंक है वहाँ पे हमको भरना था ब्लड, क्योंकि ये जो शॉट है ये ब्लड से चार्ज होता था, यानी ब्लड खा के ही मतलब ब्लड पी के ही ये अपने आप को ताकतवर बनाता था, जो मेरा जैसा ही था शॉट भी। तो गाइस फाइनली हमारा शॉट भी मैक्स आउट हो चुके थे, बट इसको चार्ज करने के बाद जो चीज़ हुआ, अभी चार्ज होने के बाद शॉट का नाम लिखना था, तो मैंने लिख दिया सब खत्म करेंगे इस दुनिया का, मतलब सब खत्म, मैंने शॉट का नाम रखा। उसके बाद मैं शॉट को ट्रेन करने चला पड़ा जो सेकंड विलेज हम लोगों ने कब्जा किए थे वो विलेज में, क्योंकि जब तक हम लोग शॉट को ट्रेन नहीं करेंगे वो मेरे साथ नहीं देगा। यस यानी बैम्पर जब मारना होगा ताकतवर वाले बैम्पर्स तब ये मेरे को साथ नहीं देगा। तो मैं इसको ट्रेन करने लगा, बहुत ही हार्ड ट्रेन किया इसको मैंने 99%। तो फाइनली अभी पीना खाना पीना करने के बाद मैं इसको लास्ट मार नहीं रहा था, लास्ट अपग्रेड होने में ये थोड़ा सा टाइम लग गया, बट फाइनली ये ट्रेन हो चुका था 100% ट्रेन। अब इसको था चार्ज करने का टाइम, तो मैंने इसको चार्ज करने के लिए लगा दिए ब्लड देके, क्योंकि ये ब्लड के बिना चार्ज नहीं होता। अभी टाइम था मेंडिंग अनब्रेकिंग शार्पनेस का वारी। सो मैं यहाँ से विलेजर को पकड़ के मैं सोचा कि मेरे घर पे लेके जाऊँ। तो इधर स्टार्टिंग में तो मैं एक जो विलेजर को यहाँ पे लाइब्रेरियन बना के मैं चेक कर रहा था कैसा कैसा चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो ये सब चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं जब एक विलेजर के पास पहुंचा ये मेरा विलेजर का खून पी रहा था, मेरे को गुस्सा आ गया, इसको मैं सीधा निपटा था यहाँ पे। फिर मैं थोड़ा पेड़ वगैरह काटा क्योंकि हमको चाहिए था स्टिक स्ट्रेट करने के लिए। एंड मैं आ पहुंचा मेरा घर के नीचे, जो विलेजर को मैं पकड़ के लेके आया था, तो एक एक करके हर एक विलेजर को मैंने सेटअप कर दिया। तो विलेजर को सेटअप करने के बाद इनको भी चेंज करना था वैम्पायर विलेजर, नहीं तो ये इधर सेफ नहीं रहता था। मैंने सबको इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट करने के बाद ये लोग बन चुके थे हमारे वैम्पायर विलेजर। तो अभी जो हम लोगों ने फैचर बनाए थे उनसे हम लोग स्टिक ट्रेड करके पूरा का पूरा एमरल का खादान बना डाले, जितने ज़्यादा हो सके हमने एमरल ट्रेड किया। एमरल ट्रेड करने के बाद मैं इंचेंट स्वाइप कर रहा था तो मुझे फाइनली मेंडिंग मिल गया थे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट अभी मैंने जॉम्बी हार्ट मतलब ह्यूमन हार्ट्स भी मुझे मिल रहे थे इस जगह से, तो ये मुझे मतलब ज़्यादा ग्राइंडिंग की तरफ नहीं लेके जा रहा था। अभी मैं थोड़ा सा फील सेफ था एंड मेरी इतना इन्वेंटरी भर के पूरा का पूरा मैंने ब्लड ले लिया था। फिर मैं चला गया माइन करने क्योंकि हमको चाहिए था आयरन बहुत ही ज़्यादा, जिसके बाद से मुझे बनाना था एनबिल्स वगैरह तो इंचेंट करने के लिए। तो एनबिल मैंने बनाया, इनसे मैंने ह्यूमन हार्ट्स को ट्रेड किए खाने के लिए। एंड यहाँ पे हम लोगों ने निकल पड़े एक मतलब शुगर केन ढूंढने, एक्चुअली शुगर केन ढूंढना था क्यों, हमको बुकशेल बनाना था। तो शुगर केन आया, मैं शुगर केन उठा के प्लेस कर दिया, बट ये शुगर केन प्लेस करने का मुझे याद आया कि ये जो सब कुछ मैंने कर तो दिया, बट मैं सेकंड विलेज में ना मुझे जाके थोड़ा चेक करना था वहाँ पे मुझे कुछ मिलता है कि नहीं होता। तो ब्लड मैंने सबसे पहले ब्लड फुल किया एंड रिचुअल में मैं देखा कि अभी क्या क्या चाहिए सबसे पहले, तो प्योर ब्लड वगैरह डाल के देखा ये काम कर रहे। तो मैं फाइनली लेवल 7 का होने वाला था, तो कुछ टाइम के बाद मैं लेवल 7 का भी हो चुका था। एंड यहाँ पे अभी क्या ही बताऊँ, उससे मेरा दिमाग खराब करके रहता है इस जगह पे, बट ठीक है अभी हम लोग थोड़ा सा ताकतवर बन चुके थे। अभी देखो अभी मेरे को सबसे पहले लेवल अप करना था, मुझे सब कौन सा लेवल अप करूँ, तो मुझे लगा कि चलो नीचे अपन एडवांस बार्ट अनलॉक करते हैं जिसके माध्यम से मैं थोड़ा सा जल्दी सक कर पाऊँगा एंड जो जिसको मैं सक करूँगा वो स्टॉप हो जाएंगे। तो क्या इस आयरन माइन करने के बाद मैंने जितने सारे आयरन थे मेरा जो हमारे पिलर से पिलर को मैंने चेंज किया आयरन पे, बट अभी मुझे दो प्योर ब्लड, तो गाइस हम लोग दो प्योर ब्लड लेके गए वहाँ पे। ऑलरेडी मेरे पास जितने सारे आखिरी एक बुक बची था तो इसको मैं क्लिक किया एंड अभी मैं कुछ रिचुअल करने के बाद हम लोग कुछ ही देरी में यस लेवल 8 का होने वाले थे, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा तकरीबन हम लोग बनने वाले थे। तो ऐसे कर करके यार फाइनली हमारा जो लेवल था वो 8 हो चुका था।
तो ईट होने के बाद अभी मुझे सोचा कि चलो अभी तो और भी ज्यादा मैं तकवा बन चुका हूँ। तो हम लोगों ने इधर फिनिश अनलॉक किया। मुझे सबसे पहले चाहिए था डार्क ब्लैक प्रोजेक्टाइल, जो कि सबसे खतरनाक था हमारे एबिलिटी के अंदर। तो मैंने फिर से ट्रेडिंग वेडिंग स्टार्ट किए। अभी मुझे लगा यार बहुत लेवल अप हो चुका है, कहीं फटाफट करके यार मिंडिंग वगैरह इकट्ठा करते हैं, चैन करते हैं। फिर मैं आप पड़ा सेकंड विलेज में, जहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर कुछ बुकशेल्फ है जो मेरे को चाहिए था। तो एक दो बुकशेल्फ मैंने जैसे लिया, लेने के बाद सीधा चला गया मैंने बेस, फिर मिंडिंग लिया एंड मेरे पास जो केप था केप में मिंडिंग लगा। बाकी दो तीन दिन हम लोगों ने सीधा इधर ग्रैंड किए, यस इमरेल के लिए, इमरेल के लिए प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद फिर मैंने पूरा का पूरा हर एक टूल को एनचैंट कर लिया। ज़्यादा एनचैंट नहीं कर पाया, शार्पनेस 5, लूटिंग एंड ब्रेकिंग। तो ये सब इंचेंट लगाने के बाद अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो चुका था आगे वाले स्टेज में पैर रखने के लिए। तो अभी क्या था, अभी हमको बहुत सारे बुक चाहिए था। तो ये बुक मिलना बहुत हार्ड था। तो मैंने बहुत जगहों से मैंने विलेज छान मारे यार, विलेज एक विलेज में आके पहुंचा था, बट ये विलेज कुछ भी नहीं था। इस विलेज में पूरा पूरा खाली विलेज था। फिर मैं आ पहुंचा वैम्पायर के फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे मैं सोचा क्या करूँ, मैं सोचा बारोन को मारने लग गया प्योर ब्लड के लिए। सो मैं एक दो वैम्पायर को मारा, जो बारोन था जो प्योर ब्लड वैम्पायर थे, तो उनको मैंने एक एक करके मारा सबको। तो ये एक ही शॉट में तो मर ही रहा था मेरे से, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर बन चुका था। तो मैं एक शिप में आके पहुंचा, मुझे लगा ये शिप क्या चीज़ है। तो ये लोग देखा कि ये लोग आए इस वैम्पायर के वर्ल्ड में अपने कब्जा करने, बट मैं उसको इग्नोर करके मैं चल पड़ा दूसरी जगह पे, क्योंकि हमको चाहिए था बुक्स। तो मैं फिर से देखने लगा बुक कहाँ से मुझे मिलेगा। तो मुझे यार लगा कि चलो अभी फिर से ग्रैंड करना करते। तो मैं आ पहुंचे एक बहुत ही बड़ा वैम्पायर हंटर का टेंट में। तो यहाँ पर जितने सारे वैम्पायर थे मैंने सब वैम्पायर को मारा, बट कुछ भी नहीं मिला। ऐसे करके मैंने बहुत जगह पर जाकर जितने सारे हंटर्स थे सबको मारा, मुझे कहीं से भी वैम्पायर के बुक्स नहीं मिले। तो फाइनली बहुत टाइम ग्रैंड करने का, मुझे ऑलमोस्ट जितना चाहिए था उतना बुक मिल गया था। ये टाइम बहुत चला गया इस बुक फाइंड करने के लिए। तो फाइनली सब बुक लेके आने के बाद अभी टाइम था पूरा का पूरा 14 लेवल बढ़ाना, यस यानी 8 से ज़्यादा 14 लेवल करना। तो मैं आ पहुँचे विलेजर के पास, यहाँ से मुझे छोटा ह्यूमन हार्ट चाहिए थे जो बाद में कमी ना पड़े मुझे। तो ह्यूमन हार्ट्स लिया मैंने एंड एक एक करके मेरा लेवल अप में धीरे धीरे करता गया। एक स्नो लेवल के उसके बाद मुझे चाहिए था गोल्ड वाले अल्टर। तो गोल्ड के लिए मुझे फिर से यार माइन जाना था, मैं चला गया माइन, बट माइन से इतना गोल्ड नहीं मिला। फिर मैं नीदर पोर्टल बनाया, नीदर गया, नीदर से जितना ज़्यादा हो सके मैं नीदर से गोल्ड माइन किए, क्योंकि गोल्ड नीदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। फिर अबेस आया, नीदर का पोर्टल गोल्ड का प्लर बना एंड धड़ाधड़ करके मैं लेवल अप करते गया। अभी फाइनली टाइम था लेवल 12 बनने का, यस। तो यहाँ पे लेवल 12 बनने के बाद है मुझे लगा कि अभी लेवल 13 तो बन ही जाते। तो लेवल 13 बनने के लिए मेरे को चाहिए था प्योर ब्लड, फिर से मैं चला गया, यस। तो लेवल 4 का प्योर ब्लड चाहिए था, लेवल 5 का प्योर ब्लड, जो कि सबसे हाई लेवल वाले को मारने के बाद ही मिलता है। तो जितने सारे बैरोन थे 5 लेवल और 4 लेवल वाले, उनको मैंने एक एक करके निपटा डाले। निपटा के बाद फिर बेस आया, बेस आने के बाद प्योर ब्लड लेवल 4 के 2 चाहिए थे। तो इसके बाद से मैं 13 लेवल का होता है एंड प्योर ब्लड 5 लेवल वाले से हम लोग लेवल 14 के होते, यानी पूरा मैक्स लेवल। तो मैंने इसको किया एंड फाइनली 13 लेवल का मैं हो चुका था। अभी टाइम था 14 लेवल का भी बनने के लिए। तो 14 लेवल बनने के लिए मेरे को चाहिए था प्योर ब्लड लेवल 5 के 2 चाहिए था वो भी। तो मैंने मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैंने इसको 2 दे दिया ब्लड एंड अभी एक मेरे पास ह्यूमन हार्ट कम पड़ा था तो मैंने एक और एक ह्यूमन हार्ट दे दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुए थे तो ह्यूमन हार्ट दे दिया मैंने एक्स्ट्रा उसके बाद। अभी टाइम था कि हम लोग आखिरी 14 लेवल यानी फुल्ली मैक्स आउट वैम्पायर बन चुके थे। अभी हमको बहुत सारे काम करना था। सबसे पहले अभी हमको बना था बीका में वैम्पायर लॉर्ड। सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन लिया कि मैं कैसे वैम्पायर लॉर्ड बन सकता हूँ। तो ये लंबा प्रोसेस था, मैंने जितने सारे हो सके गोल्ड वगैरह कलेक्ट किया। तो फाइनली मैंने कुछ गोल्ड तो कर लिया था, 32 गोल्ड चाहिए था जो मेरे पास था। अभी मैंने फिर से कोर्स एक्सेप्ट किया। अभी क्या करना था पता है, अभी सबसे पहले जो चीज़ था वो था गोल्ड हो गया प्योर ब्लड एंड हमको 25 मॉब को इन्फेक्ट करना था। तो मैंने रास्ते में जाते जाते 25 मॉब को इन्फेक्ट भी कर दिए थे एंड आके हमको बैरून 5 बैरून को मारना था जो प्योर ब्लड देगा 5 प्योर ब्लड। तो फाइनली ऐसे करके 5 प्योर ब्लड तो मैंने इकट्ठा किया। अभी टाइम था 3 विलेज को हमको कब्जा करना है या डिफेंड करना है। तो पहला विलेज को मैंने कब्जा करना स्टार्ट किया। तो ये वाला विलेज को मैंने वैम्पायर विलेज को कब्जा कर लिया मैंने, बट इधर ना वैम्पायर हंटर ट्रेनर था जो कि मैं उसको मार ही नहीं पा रहा था, मुझे नहीं पता क्यों मैं उसको टच ही नहीं कर पाया। फिर मैं बेस आता था, देखा मेरा बेस का जो विलेज था उसने मतलब वो जगह को मतलब हंटर्स ने अटैक कर दिया है, मतलब रेड कर दिया। तो मुझे यार अभी डर हो गया क्योंकि मेरा शॉट चार्ज नहीं था, मैंने चार्ज भी लगाया शॉट को एंड जो डायमंड शॉट थे उससे मैं लग पड़ा इनको साथ फाइट करने।
तो एक एक करके मैं हंटर्स को मारने लगा। तो मारते मारते आखिरी एक हंटर बचा था, तो मैं उड़ के सीधा चाह रहा था, मैं नीचे गिरने वाला था, सीधा इसको खत्म में हम लोगों ने कर दिया। तो फाइनली तीन हम लोगों ने डिफेंड एंड विन कर लिए थे। रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके हम लोगों ने अपने खिताब ले लिए वैम्पायर लॉर्ड के। तो फाइनली हम लोग ऑफिशियली बन चुके थे वैम्पायर लॉर्ड। अभी मेरा जो मिनियन बनाने का टाइम था, तो मैंने एक एनपीसी को अपने कागजात दे दिए जो मेरा मिनियन बन चुका था। इसके लिए मैं थोड़ा सा आर्मर वगैरह बना के लेके आके, तो अभी टाइम था। यस, इसका मैं स्टार्ट भी बढ़ा सकता था, बट अभी टाइम नहीं था अभी, क्योंकि हमको मेन बॉस को हराना था इस वर्ल्ड का। तो आप अच्छा यहाँ पे जो जादूगर थे इसको मारने के लिए, बट इसके पास बहुत ही तगड़ा आर्मी था, जो कि मेरे लिए ये बहुत ही कमज़ोर थे लोग। तो मैं धड़ करके बॉस को मारने लगा, बट ये बॉस मुझे अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, बट इतना भी अच्छा डैमेज नहीं दे रहा था, ये इनविजिबल होकर मार रहा था। बट इसके ऊपर जो बैनर था ना, ये बेवकूफ़ था, क्योंकि इसके ऊपर जो बैनर था इसके मतलब मैं देख पा रहा था वो कहाँ पे जा रहे। तो मैं धीरे धीरे करके उसको मार नहीं लग रहा था। यार ये कहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया मुझे, अरे रुको, ओए ओ नो, इसने तो जॉम्बी ने इसको मार दिया। आए है जॉम्बी, क्या किया तूने। कोई ना, फाइनली जो यहाँ पे मेन बॉस था उसको तो हमने हरा दिए। तो ये था हमारा एज ए वैम्पायर 100 डेज। तो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। ओके बाय गाइस।